इसराइल हमास के बीच जारी हमलों में जब से हिजबुल्ला कूदा है तब से इस युद्ध की दशा और दिशा हिंसक हो चली है। लेबनान के इस शक्तिशाली चरमपंथी संगठन को ईरान का जबरदस्त समर्थन हासिल है। यही वजह है कि इस समूह की ताकत का लोहा हर कोई मानता है। बीते साल 7 अक्टूबर के बाद से ही ये समूह इसराइल पर लगभग रोजाना गोलाबारी कर रहा है। अपने एडवांस हथियारों के बूते इसराइल को चुनौती देने वाला हिजबुल्ला अब इसराइल के लिए सिरदर्द बन चुका है। हिजबुल्ला के बढ़ते हमलों के बीच इसराइल ने लेबनान पर भी हमले की तैयारियां तेज कर दी हैं। पीएम नेतन्याहू के बाद सैन्य अधिकारियों की ओर से आ रहे बयानों से ऐसा संकेत मिलने लगा है कि इसराइल हमास के साथ साथ हिजबुल्ला से भी सीधा भिड़ने वाला है। वहीं हिजबुल्ला ने भी करारा पलटवार करने और इसराइल को सबक सिखाने की धमकी दे डाली है। इन सब के चलते अमेरिका और पश्चिमी देशों समेत अरब देशों ने भी हिजबुल्ला की उग्र कार्रवाई के चलते आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ था। हालांकि अब अरब देशों ने अपने पुराने फैसले में बदलाव करते हुए बड़ा फैसला लिया है। अरब लीग के सहायक महासचिव होसाम जकी ने खुलासा किया है कि अरब लीग ने अब हिजबुल्ला को आतंकवादी संगठन की लिस्ट से हटा दिया है। अरब लीग के पिछले फैसलों में हिजबुल्ला को एक आतंकवादी संगठन के रूप में लिस्टेड किया गया था, जिसके कारण हिजबुल्ला समूह से सभी कम्युनिकेशन को खत्म कर दिया गया था। मगर अब लीग के सदस्य देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि हिजबुल्ला पर आतंकवादी संगठन का लेबल अब नहीं लगाया जाना चाहिए। हिजबुल्ला की लेबनान के भविष्य में एक अहम भूमिका है। अरब लीग आतंकवादी सूची नहीं रखता है, सक्रिय रूप से इस तरह की संस्थाओं को नामित करने की कोशिश नहीं करता है। आपको बता दें कि बेरूत में अपनी यात्रा के दौरान जकी ने एक दशक से ज्यादा समय के बाद अरब लीग और हिजबुल्ला के बीच हुए पहले संपर्क में लेबनान के प्रतिरोधी गुट के वफादार के प्रमुख सांसद मोहम्मद राड से मुलाकात की। आपको यहाँ ये भी बता दें कि अरब लीग का गठन 22 मार्च 1945 को काहिरा में हुआ था। शुरुआत में 7 सदस्यों के साथ मिस्र, इराक, ट्रांसजॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया और उत्तरी यमन के साथ इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इस लीग में 22 सदस्य देश हैं। आपको बता दें कि अरब लीग ने मार्च 2016 में हिजबुल्ला को आतंकवादी संगठन के रूप में लिस्टेड किया था। उस दौरान अरब लीग के इस फैसले पर लेबनान और इराक ने कड़ी आपत्ति जताई थी। ये फैसला 2 मार्च 2016 को खाड़ी सहयोग परिषद की ओर से लेबनानी समूह को नामित करने के तुरंत बाद आया था। और अब अरब लीग का ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हिजबुल्ला का इसराइल के साथ तनाव अपने चरम पर है। किसी भी वक्त दोनों में हिंसक युद्ध छिड़ सकता है। इजरायली नेताओं की ओर से आ रही लगातार धमकियों से इलाके का माहौल गर्मा गया है। दोनों पक्षों ने ही सीधे युद्ध की धमकियां दे डाली हैं। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि वो हिजबुल्ला के साथ एक राजनयिक समझौते पर पहुंचना पसंद करते हैं। इजरायल का रक्षा प्रतिष्ठान लेबनान में संभावित हमले की तैयारी कर रहा है। हम हर चीज के लिए तैयार हैं। हम अपनी डिफेंसिव और एग्रेसिव दोनों ताकत के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे नाजुक मोड़ पर लीग का ये फैसला काफी हद तक हिजबुल्ला को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करने वाला माना जा रहा है। हिजबुल्ला की बढ़ती सैन्य ताकत भी इसकी एक वजह मानी जा रही है। लेबनान पर जिस तरह से हिजबुल्ला समूह का कब्जा बरकरार है, जिसका असर भी अरब देशों के इस फैसले पर साफ तौर से देखा जा सकता है। अरब लीग के सहायक महासचिव ने बताया कि इसराइल की ओर से आ रहे हमलों के संकेत चिंताजनक हैं, लेबनान पर युद्ध थोपने की ओर इशारा करते हैं। अरब लीग इसके खिलाफ है।